तो आज के क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता क्या है, और जो हम विंडोज 10 इस्तेमाल करते हैं या विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आइकॉन क्या होते हैं, ठीक, और इसके अंतर्गत जो हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो रैम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 7 के लिए कौन सा रैम काफ़ी बेस्ट पड़ेगा और 10 के लिए कौन सा रैम काफ़ी बेस्ट पड़ेगा और क्या नाम है कि विंडोज 11 के लिए रैम कौन सा काफ़ी बेस्ट पड़ेगा, ये चीज़ें हम आज आपको कम्प्लीटली बताएंगे। साथ ही साथ हम कुछ आपको इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये विंडोज जो सबसे पहले कौन सा विंडोज बना था, ठीक है, और सबसे पहले फिर उस पर जो विंडोज बना था तो उसमें स्टार्ट बटन किस विंडोज में आई थी, तमाम तरह की चीज़ें जो भी है विंडोज से रिलेटेड आज के क्लास में हम आपको बता देंगे। इसके पीछे के क्लास की बात करें दोस्तों तो हम आपको बता दिए थे लिब्रे ऑफिस जो होता है कंप्लीट बता दिए थे, कंप्यूटर का फंडामेंटल बता दिए थे, मेमोरी, तमाम तरह की चीज़ें हम आपको बता दिए, सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सबको आप बारी बारी से देख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट बताया गया, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया, बेसिक और थ्योरी कंप्लीट दोनों बताया गया है, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए यहां पे यदि हम बात करें पहले विंडोज की बात करें, ठीक है, कि विंडोज होता क्या है, ठीक है, विंडोज होता क्या है, ठीक, इसकी बात करेंगे कि विंडोज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों विंडोज की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यानी कि एमएस के द्वारा रिलीज किया गया ये आपका जो है कि पहला ग्राफिक सूट है, यानी कि पहला ग्राफिक सूट था कौन, विंडोज, यानी कि इसके पीछे भी आपका एक तरीके से कहा जाए तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्या है, जीयूआई फीचर्स है, क्या है, जीयूआई फीचर्स है। जीयूआई का मतलब होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, यूजर इंटरफेस होता है इसका मतलब, ठीक है, यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जबकि आप ओएस वगैरह आप इसके पीछे जब हमने आपको बताया था तो उसमें डॉस वगैरह बताया था, हमने बताया था डॉस जो कि जीयूआई नहीं है, डॉस आपका, डॉस जो आपका एक क्या है, कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसमें कमांड दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, वो आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ना कि वो मल्टी यूजर था, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताए थे उसी तरीके से ये आपका जो विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया पहला जीयूआई फीचर था, जिसके अंतर्गत जो भी आपको एप्लीकेशन मिलते थे, जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते थे, वो एक आयताकार के रूप में यानी कि एक आयताकार चित्र मुद्रण के रूप में क्या हो रहे थे, ओपन हो रहे थे, या जो भी आपको आइकॉन या फोल्डर जो भी क्या नाम है कि आपको कंप्यूटर इसके स्क्रीन पर मिलते थे वो एक छोटे छोटे आइकॉन व इमेज के रूप में मिलते थे, इमेज आइकॉन, यानी कि जो भी चीजें आप इसके अंतर्गत, जो भी आप फंक्शन क्या नाम है कि इसके अंतर्गत ओपन करते थे, देखते थे, वो आइकॉन और इमेज के रूप में मिलता था, आइकॉन और इमेज के रूप में मिलता था, आइकॉन और इमेज के रूप में, और सारे सॉफ्टवेयर हम जो भी कीबोर्ड के माध्यम से या फिर माउस के माध्यम से ओपन करते थे वो एक आयताकार यानी कि एक ग्राफिक्स के रूप में क्या होते थे, ओपन होते थे, जिसे आप देखिए ग्राफिक्स का मतलब सीधी सीधी हम आपको बताएं तो ग्राफिक्स का मतलब एक तरीके से होता है कि आप उसको देख करके, मतलब किसी भी फाइल को या फोल्डर को या फिर किसी भी क्या नाम है कि आइकॉन को देख के पहचान जाते हैं कि वो कौन सा आइकॉन है, किसका आइकॉन है, ठीक है। जैसे यदि हम इस तरीके का कोई भी आइकॉन देखते हैं, अगर ऐसे कोई भी आइकॉन देखते हैं तो कहते हैं ये म्यूजिक का आइकॉन है, ठीक है, म्यूजिक का आइकॉन आप समझ जाते हैं। यदि हम इस तरीके से कोई देखते हैं तो कहते हैं कि वीडियो का आइकॉन है, किसका है, वीडियो का आइकॉन है। इस तरीके से हम अगर कोई देखते हैं तो कहते हैं ये संदेश यानी कि मैसेज बॉक्स है, यानी कि ये ग्राफिकल ही है, क्या है, ग्राफिकल ही है। कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया। देखिए रिलीज की बात करेंगे तो रिलीज तो डायरेक्टली आपका 7, 10, 8, 11 आया नहीं होगा, इसके पीछे भी बहुत सारे काम हुए होंगे, तो अभी हम समझते हैं, बाद में अभी आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया पहला जीयूआई फीचर था, जिसके अंतर्गत सारे
आपके जितने भी थे फोल्डर सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, एक आइकॉन या एक इमेज या एक चित्र आइकॉन चित्र मुद्रण के रूप में क्या होते थे, मिलते थे, और उसे हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से संकेतक के रूप में क्या करते थे, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके ओपन करते थे, ये ओपन करते हैं। आज भी हम वही करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए हम विंडोज 7 इस्तेमाल करते थे, तो उसमें हमें एक कलर स्टार्ट बटन मिल जाती है, कलर में रहती है, और यदि 10 इस्तेमाल करते तो भी स्टार्ट बटन मिलती है, और 11 इस्तेमाल करते तो भी हमें स्टार्ट बटन मिलती है। हर स्टार्ट बटन के पास एक एक टास्क बार होता है, ठीक है, और टास्क बार होता है, टास्क बार में क्या नाम है कि आपके अलग अलग टास्क बार में एक जो राइट साइड होता है, राइट साइड की तरफ क्या होता है, नोटिफिकेशन एरिया होती है, और उसके लेफ्ट साइड में उसके स्टार्ट बटन वगैरह होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो दोस्तों यदि देखिए, यदि हम सबसे लेटेस्ट की बात करें तो अभी आपका चल रहा है क्या, विंडो 10 देखे तो चला रहे हैं लोग, बहुत लेटेस्ट है अभी इस समय। सबसे लेटेस्ट में देखा जाए तो विंडोज 11 इस्तेमाल हो रहा है। कौन हो रहा है, विंडोज 11, ठीक है, विंडोज 11 इस्तेमाल हो रहा है। विंडो 10 की बात करेंगे तो विंडो 10 जो होता है ना, विंडो 10 ये विंडो 7 से थोड़ा सा अपडेट है, लेटेस्ट है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपना फीचर्स 10 के पीछे बनाया था, चाहे 7 हो, चाहे 7 के पीछे XP हो, XP के बीच में चाहे आपका विस्टा हो या और भी हो, जो कुछ फीचर्स 7 या फिर 10 के पीछे वाले फीचर्स में नहीं दे पाया था, वो उसके अगले वाले फीचर्स 10 में कर दिया, जिससे क्या हो गया, लेटेस्ट हो गया। जैसे अभी की हम बात करें, जैसे अपना फ़ोन ही ले लीजिए, तो पहले के जो फ़ोन थे आपके क्या थे, कीपैड में आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे थे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको वीडियो बना तो नहीं बना पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसको अपडेट करके क्या किया गया, उसका फीचर्स चेंज किया गया, और अब तो आपके फ़ोन स्मार्ट हो गए, कम्प्लीटली स्मार्ट हो गए, ठीक है, स्मार्ट कंप्लीट हो गए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, फ़ोन से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके पीछे का विंडोज चल रहा था, पीछे जब विंडोज चल रहे थे, XP चल रहा था, यदि XP के बाद देखें तो विस्टा वगैरह भी यूज किए जा रहे थे, ठीक है, तो विंडो XP, विंडो विस्टा, तो क्या अब उस समय के जो एप्लीकेशन थे आपके ज़रूरत के अनुसार वो सपोर्टेड नहीं हो पाते थे, सपोर्ट कि हो ही नहीं पाते थे, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसीलिए क्या नाम है कि अगला इसमें क्या किया जाता था, इसको अपडेट करने की सिस्टम होती थी। देखिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी आपके क्या है कि आपके फ़ोन और गाड़ियों में हर साल क्या होती है, चेंज होती रहती है, और जो आपके ये अपनी सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं वो तो चेंजेबल होते हैं, अपडेट हो करके उनको अपडेट किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, अपडेट करके प्रोग्राम करके उसको उसी पे रिपेयर करके अगला उसका वर्जन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर इसके रिलीज की बात करेंगे तो ये 2015 में आया था, ठीक है, जुलाई 2015 में, कहीं कहीं पे सितंबर क्या नाम है कि सितंबर में भी बताया जाता है कि सितंबर 2014 में आया था, सितंबर 2014 में, तो 14 ज़्यादा नहीं सही है, ज़्यादा आपका 2015 ही, हर जगह देखिए 2015 ही बताया जाता है, 2015 ही में आया था ये, ठीक है। और ये जो आपका आया था विंडोज 11 ये 2021 में आया था, ठीक है, 2021 में आया था ये, 2021 में, ठीक, 2021 में आया, उस तरीके देखा 2019 में ही लगभग ये बन गया था, ठीक है, लेकिन आया कब, 2021 में। ये आपका 2000 जो विंडो 10 है ये 2015 में इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। अब ये विंडो 10 जो है, विंडो 10 ये कंप्यूटर के अंदर जो सपोर्ट करता है ना, जो डेस्कटॉप पे, ठीक है, जो सपोर्ट करता है वो उसके लिए, देखिए विंडो 10 के लिए यदि अगर आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 GB से लेकर के आप इसके ऊपर चले जाइए, 2 GB और 4 GB और ऊपर चले जाइए, रैम यदि आपके सिस्टम में तो काफी अच्छा ये सपोर्ट करता है, काफी अच्छा सपोर्ट करता है। देखिए यदि अगर विंडो 10 आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं तो आपके पास 2 GB का रैम होना चाहिए, ठीक है, और 4 GB का रैम होना चाहिए। 2 GB से नीचे रैम रहेगा तो चलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलेगा,
लेकिन फर्क ये है कि थोड़ा सा इसकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो रहेगी। और ये इंस्टॉलेशन भी इनके होते हैं तो 32 बिट होते हैं और क्या होते हैं 64 बिट होते हैं। 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर पे ये क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। 32 बिट्स और 64 बिट्स प्रोसेसर पे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इसके अंतर्गत 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको इनके क्या नाम है कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं आपको कि इनकी हिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। देखिए, हमने आपको विंडोज के बारे में बताया कि विंडोज होता क्या है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया पहला GUI फीचर था जिसके अंतर्गत सारे आइकॉन सारे सॉफ्टवेयर या सारे फोल्डर जो भी थे वो सब एक आइकॉन और चित्र मुद्रण के रूप में मिलते थे, जिसे हम माउस या कीबोर्ड के माध्यम से क्लिक कर ओपन करते थे या लिख करके उसको सर्च करके ओपन करते हैं। एक क्या नाम है कि आपका एक आयताकार चित्र मुद्रण के रूप में क्या होते थे, ओपन होते थे। लेकिन उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक इस्तेमाल किया जा रहा था विंडोज, वो आपका 10 हो गया। विंडोज 10 को लाया गया था 2015 में। अब ये कैसे आया आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम थोड़ा सा इसके जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको विंडो 10 और विंडो 7 और विंडो 11 इन तीनों के बारे में बताएंगे कि ये कौन कौन से हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सा इसमें हार्डवेयर अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसमें प्रोसेसर कौन सा अच्छा होना चाहिए, चलिए देखिए। सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो हिस्ट्री की देखिए बात करेंगे तो विंडोज जो था, विंडोज ये अपना काम यानी कि देखिए अपना काम क्या नाम है कि 1983 में ही शुरू कर दिया था GUI के ऊपर। किसके ऊपर? GUI के ऊपर, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर 1983 में ही अपना पहला काम शुरू कर दिया था। जबकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो क्या नाम है कि MS DOS था, यह IBM कॉरपोरेशन के द्वारा 1981 में रिलीज किया गया था। कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंतर्गत कमांड देना पड़ता था हर चीज़ को ओपन करने के लिए, लिखने के लिए, बनाने के लिए कमांड को, और उसको याद भी करना पड़ता था कि हम कौन सा कमांड दे रहे हैं, तभी हो पाता था। आज के समय जैसा नहीं है कि आप उसको क्लिक करके ओपन कर ले रहे थे, ठीक है। तो इसी के देख रेख में 1983 से ही क्या नाम है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है बिल गेट्स की जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, 1983 से ही विंडोज पे काम करना क्या कर देती, शुरू कर देती, प्रारंभ कर देती। और जा करके 1985 में विंडोज 1.0 का वर्जन बनाया, ठीक है। 1.0 का वर्जन शुरू किया, ठीक है, जो कि यह भी क्या था, GUI ही था, लेकिन क्या था, GUI के साथ साथ बेसिक GUI फीचर था, बेसिक था, ग्राफिकल बेसिक क्या नाम है कि फंक्शनलिटी थी इसके अंतर्गत। बहुत ज़्यादा इसमें फंक्शन वगैरह नहीं थे, बेसिक थे, ठीक है। डॉस के देख रेख में ये काम कर रहा था, यानी कि डॉस के ऊपर इसे चलाया जा रहा था। किसको? 1.0 को, जिसके अंतर्गत गैजेट्स वगैरह मिले थे। क्या मिले थे? गैजेट्स वगैरह भी मिले थे। गैजेट्स के अंतर्गत देखिए, इस समय जो गैजेट्स आपके मिलते हैं विंडोज 7 में, उसमें कैलेंडर मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है? कैलेंडर मिल जाता है। कैलेंडर के बाद उसमें कैलकुलेटर मिल जाता है। ऐसे और भी गैजेट्स के अंतर्गत वेदर मिल जाते हैं, ऐसे और भी चीज़ें आपको इस समय भी मिलते हैं, और उसमें 1.0 वाले के अंतर्गत भी आपका इतने सारी चीजों को शामिल किया गया था। बेसिक था, डॉस के ऊपर चलाया जा रहा था, लेकिन इसके अंतर्गत गैजेट्स, कैलेंडर, कैलकुलेटर को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। बाद में जा करके 1987 में क्या नाम है कि विंडोज 2.0 को शुरू किया गया। किसको? विंडोज 2.0 को, ठीक। विंडोज 2.0 था, इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा मतलब कि परिवर्तन नहीं किया गया था, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया गया था इसके अंतर्गत। फर्क ये था कि ये वीडियो ग्राफिक्स, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स को सपोर्ट करता था। कौन? ये वीडियो ग्राफिक्स को सपोर्ट करता था, लेकिन इसमें भी जो शामिल किया गया था वो मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। दो चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, और भी चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन मिनिमाइज मैक्सिमाइज को ही आप याद रखिएगा,
ठीक है। ये चीज 1987 में 2.0 को बनाया गया था, ठीक है। 2.0 जो था ये वीडियो ग्राफिक्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स को, जिसके अंतर्गत मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कुछ चीजें इसके अंतर्गत क्या की गई थी, सपोर्ट की गई थी। और 1990 में जाकर के, अभी देखिए बीच में तो और भी काम हुए होंगे, 1990 में जाकर के 3.0 बनाया गया, किसके 1990 में 3.0, और इसको लगातार डिसकंटिन्यू किया गया था, यानी कि लगातार अंतिम बार रखा गया था, कहां तक, 2001 तक, यानी कि इसे 2001 तक क्या नाम है कि डिसकंटिन्यू लगातार इस पे क्या हुआ था कि इसको इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। फर्क ये था कि ये जो आपका विंडोज 3.0 था ना, ये देखिए अंतिम जो इसका था कौन, 2001 तक इसको यूज किया गया था, ठीक है, 2001 तक इसको लगातार क्या नाम है कि लगातार इसको बंद करके रखा गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो ये आपका विंडोज था, ये हार्ड ड्राइव का उपयोग करता था, किसका, हार्ड ड्राइव का उपयोग करते थे, हार्ड ड्राइव का उपयोग इसके अंतर्गत होता था, ठीक है, और हार्ड ड्राइव के उपयोग से इसको चलाया जाता था। बाद में 1992 में जाकर के, 1992 में, ठीक है, 3.1 को बनाया गया, किसको, विंडोज 3.1 को बनाया गया, और विंडोज 3.1 को बनाया गया तो इसके अंतर्गत 1 MB के रैम का उपयोग किया गया था, किसका, 1 MB का रैम का उपयोग किया गया था 1992 में आपका क्या हुआ कि 3.1 को रिलीज किया गया और 1 MB के रैम को ये क्या करता था, सपोर्ट करता था, कौन, विंडोज 3.1 1 MB के रैम को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है, 1 MB के रैम को सपोर्ट करते थे। उसके बाद आगे जा करके 1995 में विंडो 95 के नाम से एक विंडो बनाई गई, 1995 में विंडो 95 के नाम से बनाई गई, ठीक है। और फिर उसके बाद 1998 में जा करके विंडो 98 के नाम से बनाया गया, जिसमें स्टार्ट बटन वगैरह को लाया गया, किसको, विंडो 98 को बनाया गया, जिसमें स्टार्ट बटन वगैरह को क्या किया गया था, लाया गया था, किसको, 1998 में जा करके जब विंडोज 98 बना तो इसमें क्या नाम है कि स्टार्ट बटन वगैरह क्या किए गए थे, तैयार किए गए और उसको शामिल किया गया इसके अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद सन 2000 में, ठीक है, विंडो मी के नाम से क्या नाम है कि एक विंडो बनाया गया, ठीक है, यह भी उतनी सफलता इसको नहीं मिली और इतना यह सक्सेसफुल नहीं हुए। विंडो मी के बाद जाकर के सन 2000 में ही विंडो एनटी के नाम से, ठीक है, विंडो एनटी के नाम से क्या हुआ कि एक विंडो शुरू किया गया था, जिसे न्यू टेक्नोलॉजी कहते हैं। एनटी का मतलब क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, एनटी का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद जा करके सन 2001 में विंडो एक्सपी को लाया गया, जो कि बहुत ही सफल क्या नाम है कि विंडोज था, बहुत ही सफल विंडोज था, विंडोज एक्सपी को लाया गया। एक्सपी जब रिलीज किया गया तो इसका जो लास्ट अपडेट था ना, लास्ट अपडेट इसको किया गया था कब, सन 2014 में किया गया था, उसके बाद नहीं किया गया, उसके बाद 7 चलने लगा। 7 तो 2009 में ही आ गया था, लेकिन जो सन 2001 में विंडोज एक्सपी आया तो ये ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होने के कारण इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और बहुत ज़्यादा लोग इसको क्या किए, मतलब कि पसंद किए, ठीक है, क्योंकि इसकी ये अपने साथ लाया था स्टार्ट बटन, ग्रीन कलर का स्टार्ट बटन लाया था। और स्टार्ट बटन में 4 कलर होते थे, रेड होता था, ग्रीन होता था, ब्लू होता था और येलो, 4 कलर होते थे। और ब्लू कलर का टास्क बार था इसमें, क्या था, ब्लू कलर का इसमें ब्लू टास्क बार था, क्या था, ब्लू टास्क बार था, किसके अंतर्गत, विंडोज एक्सपी के अंतर्गत, चलाना बहुत ईजी था, इसमें प्लेयर वगैरह भी रखा गया था, ठीक है। देखिए क्या क्या शामिल किया गया था, टास्क स्टार्ट बटन को शामिल किया गया था जो कि ग्रीन, ठीक है, और उसमें जो ग्रीन था ग्रीन कलर का था, लेकिन उसमें 4 कलर थे, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, वाइट था, येलो था, ठीक है। और उसके बाद जो टास्क बार था वो ब्लू कलर की पट्टी, यानी कि सबसे नीचे वाली पट्टी वो ब्लू कलर की थी। उसके साथ इसके अंतर्गत क्या नाम है कि विस्टा वॉलपेपर को भी शामिल किया गया, विस्टा वॉलपेपर के साथ साथ इसमें वीडियो वगैरह प्लेयर को भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद सन 2006 में जाकर के विंडो विस्टा के नाम से एक विंडो बनाया गया था, विंडो विस्टा के नाम से ये विंडो बनाया गया था। ये बहुत दिनों तक नहीं चला, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला, 3 साल तक चला था। कितने साल तक, 3 साल तक ये चला था। इसलिए नहीं चला था क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ही बग थे।
क्या थे? बग। बग क्या होता है? ये कंप्यूटर के द्वारा की गई गलती होती है, यानी कि जब किसी प्रोग्राम में कोई गलती होती है तो उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। किसी प्रोग्राम में जब कोई गलती होती है तो उसे हम बग कहते हैं, ठीक है। बहुत ही गलती थी। गलती क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया था कि अपना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें लगा दिया था, ज़्यादा यानी कि डायरेक्ट X10 की टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा क्या किया था, ऐड कर दिया था, जिसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत त्रुटि हुई थी। 3 साल से ज़्यादा ये नहीं चला और सन 2009 में जा करके, ठीक है, Windows 7 को लाया गया। किसको लाया गया? Windows 7 को लाया गया। और Windows 7 जो था ना, ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। क्या हुआ? काफ़ी पॉपुलर हुआ और ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ ज़्यादा चीज़ों को क्या कर दिया गया था, अपडेट कर दिया गया था। कुछ ज़्यादा चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। फिंगर लॉक के लिए भी, डिस्प्ले लॉक के लिए भी, और क्या नाम है कि फिंगर लॉक के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत क्या कर दिया गया था, क्या नाम है कि इसको अपडेट करके शामिल कर दिया गया था। इसलिए जो मतलब कि यदि इन विंडोज में सबसे ज़्यादा सफलताएँ किसी को मिली थी तो Windows XP को मिली थी, ठीक है, और Windows 7 को मिली थी। इन सबको सबसे ज़्यादा सफलताएँ मिली थी मार्केट में। अभी भी कहीं कहीं पे आप इस्तेमाल करते होंगे Windows 7 का, अभी भी करते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए ना आपके सिस्टम में चाहे तो आप क्या नाम है कि MB में किसी रैम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, 512 MB का रैम इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो 1 GB का कर सकते हैं, उसमें भी 7 को चला सकते हैं, या 2 GB का रैम में भी चला सकते हैं, और आगे चल करके आप 1 GB के 4 GB की रैम में भी चला सकते हैं, 1 GB की रैम में भी चला सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये ऐसा विंडोज सेवन ऐसा था कि ये चीज़ नहीं था कि ये क्या नाम है कि रैम की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो नहीं चलेगा, या फिर आप रैम की कैपेसिटी घटा लेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये सपोर्टेड था, 1 GB के रैम में सपोर्ट कर लेता था, 2 GB में भी सपोर्ट करता है, 4 GB में भी सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। यदि इधर आप MB में आते हैं, ठीक है, तो आपका उसमें भी क्या नाम है कि ये इस्तेमाल हो जाता था ऑटोमेटिक, मतलब कि चलता था, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए ये काफ़ी फेमस हुआ। इसके साथ साथ ब्राउजर भी आपको इसमें मिले थे। क्या मिले थे? ब्राउजर भी आपको मिले थे। विंडोज 7 में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी मिला था, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ साथ उसमें विंडोज मीडिया प्लेयर 11 भी मिला था, ठीक है। विंडोज मीडिया प्लेयर 11 के साथ साथ आपको इसके अंतर्गत प्लेयर का ऑप्शन भी इसमें दिया गया था। वॉल्यूम की चीज़ें दी गई थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या किया गया था, फीचर्स के अंतर्गत ऐड किया गया था, इसलिए यह फेमस हो गया। XP के बाद यदि कोई फेमस हुआ तो आपका विंडोज 7 था। XP के बाद यदि आपके मार्केट में किसी को अपार सफलता मिली या फिर उस विंडोज को लोग पसंद किए तो कौन था? आपका 7 था। 7 को लोग पसंद किए थे, ठीक है। ये चीज है। तो देखिए, यहां से हमने बताया था हिस्ट्री में कि 1983 से ही काम करना शुरू कर दिया था GUI में, जो 85 में जाकर के पहला वर्जन 1.0 को लॉन्च किया, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है कि 1987 में दूसरा वर्जन 2.0 को लॉन्च किया, 1990 में 3.0 को लॉन्च किया, 1992 में जाकर के 3.1 को लॉन्च किया, 1995 में जाकर के यह विंडो 95 के नाम से शुरू किया, और 1998 में जाकर के 1.98 वाला वर्जन लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद सन 2000 में विंडो मी को और विंडो NT को भी जारी किया। NT का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। और उसके बाद सन 2001 में जाकर के क्या नाम है कि आपका XP को शुरू किया। इसका लास्ट अपडेट था 2014, लास्ट अपडेट था। क्या था? लास्ट अपडेट था। जैसे होता ना फ़ोन वगैरह अपडेट किया जाता है, फ़ोन अपडेट करते हैं ना, फ़ोन अपडेट, तो उसका एक सीमा होता है कि ये इतने समय तक अपडेट रहेगा, उसके बाद फिर अपडेट कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी लगातार अपडेट, ऐसा नहीं। फ़ोन भी आपके अपडेट होते हैं, उसका एक समय होता है, सन होता है, ये 4 साल 2 साल 5 साल तक क्या करेंगे, अपडेट होंगे, उसके बाद अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। ये 2001 से 2014 तक इसका लास्ट अपडेट था। लास्ट अपडेट क्या था? 2014 तक था, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। उसके बाद जा करके आपका सन 2006 में कैमरा विस्टा को बनाया। ये बहुत, इसके अंतर्गत बहुत त्रुटियाँ होने के कारण क्या था, ये 3 साल तक ही चला था, ठीक है। उसके बाद सन 2009 में विंडोज 7 को बनाया गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 7 के बाद कौन सा वर्जन आया, ठीक है, इसको हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं कि 7 के बाद कौन सा वर्जन आया। 7 के बाद सन 2012 में जाकर के विंडोज 8 आया। कौन आया? विंडोज 8 आया। विंडोज 8 जब मार्केट में आया तो इसके स्टार्ट बटन को चेंज कर दिया गया था। स्टार्ट बटन को क्या कर दिया गया था?
चेंज किया गया था, जहां आपके विंडोज एक्सपी में स्टार्ट बटन और विंडोज 7 में स्टार्ट बटन जो थी ना, स्टार्ट बटन के अंतर्गत कलर वाले ये बटन लगाए गए थे, कलर की चीजें थी, यानी कलर में थी, चार कलर में थी, पहला रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, चार कलर थे। लेकिन इस विंडोज 8 में स्टार्ट बटन को बदल करके इन चारों बटन को, ये जो इस तरीके से बटन दिखाई देती है ना, इस तरीके से, ठीक है, इनको व्हाइट कर दिया गया, ठीक है, यानी कि ये व्हाइट हो गए, ठीक है। और इसमें सर्च बार वगैरह भी दिया गया, सर्च बार वगैरह भी इसके अंतर्गत दिया गया, लेकिन ये भी काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला था, विंडोज 8 जो था काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला, जबकि लेटेस्ट ये भी था, ये विंडोज 7 से भी थोड़ा सा क्या था, लेटेस्ट था, विंडोज 7 से भी थोड़ा सा लेटेस्ट था, कुछ इसमें नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया था, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी में क्या था, जैसे फर्मवेयर, मलवेयर, ठीक है, और क्या नाम है कि कुछ सिक्योरिटी के ऑप्शन भी इसमें दिए गए थे, ठीक है, मॉडिफाई इन एंटीवायरस का भी इसमें क्या नाम है कि ऑप्शन दिया गया था, और वाईफाई कनेक्टेड का ऑप्शन उसमें ड्राइवर के अंतर्गत क्या किया गया था, ऐड कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत नई चीज़ों को ऐड कर दिया गया, लेकिन जब जा करके 2015 में जब आपका विंडो 10 आया, विंडो 10 को रिलीज किया गया, ठीक है, विंडोज 10 को, तो इसके आगे विंडोज 8 नहीं चल पाया, ठीक है, नहीं। देखिए बहुत कम लोग 8 को इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल, अब ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कौन, विंडो 10 या तो विंडो 7 या तो आपका जो नए लोग लेते हैं इस मार्केट में, आपका विंडो 11 चल रहा है, विंडो 11 ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 को जारी किया, और जब विंडो 10 को जारी किया तो इसके साथ ढेर सारे फीचर्स को लाया, क्योंकि विंडो 10 जो था आपका फ्लेक्सिबल था, ठीक है, फ्लेक्सिबल था, लचीला था, बिल्कुल लचीला का मतलब ये नहीं कि इसको आप छू सकते थे, ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर सॉफ्ट था, बिल्कुल सॉफ्टवेयर ही तो सॉफ्ट ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये सब भी क्या थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, फ्लेक्सिबल था, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत लोग इस्तेमाल करते थे इसे, और सबसे पसंदीदा भी ये आपका विंडोज 10 आपका बना, ठीक है। और विंडोज 10 के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को ऐड किया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपका ब्राउजर लाया गया था ना, ब्राउजर लाया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया था, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज जो इस तरीके से करके होता है, बहुत अच्छा लोगो ये दिखता है ई की तरह, माइक्रोसॉफ्ट एज, जबकि विंडोज 7 में आपका एक्सप्लोरर होता है, कौन सा होता है, एक्सप्लोरर होता है ये होता है, और विंडोज 10 में जो आपका ब्राउजर होता है वो आपका कौन है, वो आपका है माइक्रोसॉफ्ट एज। जबकि पहला वेब ब्राउजर की बात किया जाए कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा, जब इंटरनेट पढ़ाएंगे तो वेब ब्राउजर बताएंगे, पहला वेब ब्राउजर की बात करेंगे कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आपका WWE, कौन सा है, WWE है। और पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर की बात किया जाएगा तो मोजैक है, कौन है, मोजैक है, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर की बात करेंगे तो मोजैक है, ठीक है। ये आपका जो एज है, ये विंडो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का ये ब्राउजर है, और ये सब आपके, ये तो टीम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था, WWE को, वर्ल्ड वाइड वेब को, ये पहला वेब ब्राउजर है, और मोजैक आपका क्या नाम है कि पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट या फिर विंडोज 10 या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के द्वारा आप कौन सा ब्राउजर क्या होता है कि यूज किया जाता है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज विंडोज के कौन से वर्जन का ब्राउजर है, तो आपका विंडो 10 का है, किसका है, विंडो 10 का है। विंडो 11 में भी यही है, माइक्रोसॉफ्ट एज ही है, ठीक है। साथ ही साथ विंडोज 10 के अंतर्गत कोर्टाना का भी इस्तेमाल किया गया, किसका, कोर्टाना का, ठीक है, कोर्टाना, ठीक है। जैसे आपका एप्पल में सीरी होता है ना, सीरी आप जानते होंगे, एप्पल फोन जो इस्तेमाल करते होंगे, आईफोन इस्तेमाल करते होंगे, वो उसके अंतर्गत एक
एक सीरी होता है, मतलब वॉइस वॉइस को मतलब बोल करके कुछ भी चीज़ क्या करना, लिखना, सर्च करना या फिर कहीं पे भी, ठीक है। तो उसी तरीके से आपके गूगल के भी पास होता है गूगल नाम, जो आज असिस्टेंट के रूप में बना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 के अंदर एक कोर्टाना भी ऐड किया है, यानी कोर्टाना का भी फीचर दिया है, जिसके अंतर्गत आप बोल करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चाहे नोट पैड में, चाहे वर्ड पैड में, कोई भी चीज़ कोर्टाना के सिस्टम, ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत सिक्योरिटी का भी चीज़ें ऑप्शन दिया गया है, सिक्योरिटी की भी चीज़ें दी गई हैं, सिक्योरिटी को भी इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिसमें ईमेल आईडी वगैरह क्या कर सकते हैं, काफ़ी सिक्योर कर सकते हैं। कीबोर्ड मोड दिया गया, माउस मोड दिया गया, बहुत सारे चीज़ें अपडेट फीचर्स को दिया गया है। जो भी चीज़ें बची हुई थी ना विंडोज 7 में नहीं कर पाए थे, विंडोज 7 या विंडोज 8 में नहीं कर पाए थे, वो सारी चीज़ें कर दिए किस में, विंडोज 10 में कर दिए। जो भी टेक्नोलॉजी बचा हुआ था वो विंडोज 10 में इस्तेमाल किए थे, ठीक है। उसके बाद 2021 में जा करके विंडोज 11 को बनाया है, किसको, विंडोज 11 को रिलीज किया गया था, विंडोज 11 को, ठीक है। ये भी आपका लेटेस्ट विंडोज है, ठीक है, जो कि आपके इस समय लोग ज़्यादा भी इसका भी इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 11 का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा फीचर्स क्या हुआ कि कुछ अलग अलग दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ फीचर्स को चेंजेबल किया गया है, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि विंडोज 10, विंडोज 7 और विंडोज 11 ये सपोर्ट कितने जीबी तक के रैम को करते हैं, ठीक है, कौन से जीबी तक के रैम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए पहली बात तो देखिए, जो इसमें प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर, ठीक है, जो इसमें प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर जो प्रोसेसर होता है उसे गीगा हर्टज में मापा जाता है, वो गीगा हर्टज में होता है, ठीक है, गीगा हर्टज में, ठीक है। प्रोसेसर जो होता है वो गीगा हर्टज में होता है, जिसे हम क्या नाम है कि सिस्टम ऑन ए चिप कहते हैं। जो गीगा हर्टज में प्रोसेसर होता है उसे सिस्टम ऑन ए चिप्स कहते हैं, ठीक है, ऑन ए चिप्स कहते हैं, यानी कि SoC कहते हैं, क्या कहते हैं, SoC कहते हैं, यानी कि प्रोसेसर के लिए, किसके लिए, प्रोसेसर के लिए, ठीक है। और प्रोसेसर तो जानते हैं कि इंटेल कंपनी के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यदि बात करें कि विंडोज 10 जो आपका होता है, विंडोज 10 और यहाँ पे आपकी बात करेंगे कि विंडोज 7 और बात करेंगे कि विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 10, इन सब की बात करेंगे। तो देखिए विंडोज 10 जो होता है, इसको मिटा देते हैं, ये प्रोसेसर के लिए था, ठीक है। देखिए जब विंडोज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, चाहे 7 हो चाहे 8 हो चाहे 11 हो कोई भी हो, जब इसको इंस्टॉल किया जाता है तो उसमें जो प्रोसेसर होता है ना, ये 2 बिट पे किया जाता है। 2 बिट का मतलब एक आपका होता है 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट को क्या नाम है कि प्रोसेसर, और एक आपका होता है 64 बिट्स प्रोसेसर, ठीक है। 32 बिट्स प्रोसेसर को हम इंटू 86 के इसे क्या नाम है कि करते हैं, और इसे इंटू आपका 64 के से ही देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से x86 x 64 रहता है, ठीक है। जब हम सिस्टम में इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, 2 प्रोसेसर पे, यानी कि 2 सिस्टम पे ये चीज़ें काम करती है, एक 32 बिट पे, एक आपके 64 बिट पे, ठीक है। देखिए अब 32 बिट और 64 बिट क्या होता है, जैसे मान देखिए कंप्यूटर की जो बाइनरी होती है यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटर की जो क्या नाम है कि बाइनरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर की बाइनरी, यानी कि एक बिट्स की बात करेंगे, एक बिट्स, ठीक है, एक बिट्स की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, 0 और 1 होगा, 0, 1 होगा। 0 जो होता है ये आपका ऑन के लिए होता है, चालू करने के लिए, सॉरी ऑफ के लिए होता है, किसके लिए होता है, ऑफ के लिए होता है, ठीक है। और 1 किसके लिए होता है, ऑन के लिए होता है, यानी कि आप एक बार में 2 ही काम कर सकते हैं, कितना काम, 2 काम, एक तो सिस्टम को ऑन कर सकते हैं, दूसरा सिस्टम को बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये 2 बिट्स का हो गया, तब ये अगर 2 बिट्स का है तो आपका 0, ठीक है, 0 और उसके बाद 0 1 हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4, यानी कि एक बार में 4 कार्य को कर सकते हैं। अगर ये 3 बिट्स हो गया, ठीक है, 3 बिट्स हो गया, ठीक है, तो आप 0 0, ठीक है, और फिर 0 0 1, ठीक है, और 1 0 0, ठीक है, और 1 1 1, ऐसे करके
अभी आगे जा करके आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं 010, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और एक आपका और होता है, ठीक है, 011, ठीक है, इस तरीके से यानी कि एक बार में कुल 6 कार्य कर सकते हैं आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं, ठीक है, ये बिट्स का मतलब यही होता है, ठीक है। तो जो आपके ये आपके विंडो 10 होते हैं ना, विंडो 10 को जब इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में तो आपके देखा जाता है आपके सिस्टम में कि जो प्रोसेसर होता है वो कितने बिट पे हम उसको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम जब फॉर्मेट करते हैं तो इंटू 86 रहता है जो कि 32 बिट के लिए होता है, इंटू 64 होता है जो कि आपका 64 बिट के लिए होता है, ठीक है। 32 बिट के लिए जो होता है, 32 बिट के लिए 2 GB रैम होता है, 2 GB रैम होता है, ठीक है, और 1 GB रैम होता है, 1 GB रैम होता है, ठीक है, और 4 GB रैम होता है। क्या होता है? 4 GB रैम होता है। यानी कहने का मतलब कि यदि आपके सिस्टम में 1 GB का रैम है और आप विंडो 10 डाल रहे तो आप उसको 32 बिट पे करिए तो सही रहेगा। यदि आप 64 बिट करेंगे तो 64 बिट जो होता है वो 4 GB के लिए काफी बेस्ट पड़ता है, तो आपका जो वो क्या नाम है कि रैम होगा वो 1 GB तक का स्पेस इस्तेमाल कर पाएगा, ठीक है, ये चीज है। लेकिन जो अगर आपके सिस्टम में क्या नाम है कि 4 GB का रैम है, 4 GB का रैम है और आप 64 बिट नहीं कर रहे हैं, 32 बिट कर दे रहे हैं, तो ये आपका 2 GB तक का स्पेस इस्तेमाल कर पाएगा। यानी कि जो आपका प्रोसेसर होगा वो 2 GB तक का इस्तेमाल कर पाएगा, 2 GB नहीं कर पाएगा, ठीक है, यदि 4 GB का रैम है और आप 32 बिट कर दिए तो, ठीक है। लेकिन अगर 32 बिट है और आप 2 GB है तो आप 32 बिट पे करके चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये नहीं है कि क्या नाम है कि आप क्या नाम है 2 GB का रैम है उसको 64 बिट कर दीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है। 2 GB रैम है और आप 32 क्या नाम है कि 64 बिट लेके चलेंगे तो वो 2 GB तक का चलेगा, और 64 क्या नाम है कि 4 GB का रैम है उसको 32 बिट पे कर रहे हैं तो तब भी 2 GB का लेके चलेगा, 2 GB नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो आपका विंडो 10 होता है ये अधिकांश सबसे बेस्ट सपोर्ट करता है कितने जीबी के रैम पे, तो 4 GB के रैम पे सबसे बेस्ट अगर अच्छे से काम करेगा तो 4 GB के बाद जितने भी आपके पढ़ते हैं 4 GB के बाद आपके आगे चले जाइए आपका 8 GB, ठीक है, 8 GB, 8 GB के बाद आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, 16 GB और भी आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो ये आपके 64 बिट वाले सबसे अच्छे प्रोसेसर काम करते हैं 4 GB के विंडो 10, 4 GB और क्या नाम है कि 8 GB, जिसको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे प्रोसेसर को चलाया जाता है। यदि उससे कम आपके पास GB का रैम है 2 GB का तो आप 32 बिट पे ही चलाइएगा, बेस्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं चला सकते 64 पे, ठीक है, चला सकते 2 GB का है तब भी, लेकिन दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये सपोर्टेड करते हैं अधिकांश किसको, ठीक है, अधिकांश किसको, 64 बिट्स के लिए, ठीक है, जबकि ये 32 बिट के लिए भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 32 बिट के लिए नहीं होते, लेकिन बेस्ट होता है किसके लिए, 64 बिट के लिए होता है। यदि रैम आपका 4 GB है तो 2 GB का होगा तो थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है। लेकिन वह जो विंडोज 7 है ना, विंडोज 7 आपका 1 GB पे भी चले जाएगा, ठीक है, और 2 GB पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4 GB पे भी आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 512 MB पे भी चल जाएगा, 512 MB पे भी ये क्या करेगा, चल जाएगा। 32 बिट का जो इंस्टॉलेशन के समय, 32 बिट विंडोज़ को इंस्टॉलेशन के समय ये आपके हार्ड ड्राइव से 16 GB की स्पेस लेती है। कितना लेता है? 16 GB का स्पेस लेता है। यानी कि आपके सिस्टम में विंडोज 10 इंस्टॉल किया जा रहा है वो 32 बिट पे किया जाए तो वो 16 GB तक का स्पेस खा जाएगी, और यदि 64 बिट पे इंस्टॉल किया जा रहा है तो वो 20 GB तक का स्पेस खा जाएगा। कितने GB तक का? 20 GB तक का स्पेस खा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। हमने आपको ये बताया कि यदि आपके सिस्टम में 2 GB का रैम है, 2 GB का रैम है तो आप 32 बिट पे ही सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट पड़ेगा। यदि 1 GB का है तो भी आप क्या करेंगे कि 32 बिट पे ही ऑपरेट करेंगे, ये आपके लिए सही होगा, ना कि आप 64 बिट कर देंगे। 64 बिट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, काम करेगा ही लेकिन बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। यदि आपके सिस्टम में 4 GB का रैम है ना, तो 4 GB का यदि रैम है तो आप 64 बिट करके चलाइएगा, काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा। किसके लिए? विंडो 10 के लिए।
ठीक है, ये चीज है। तो जो ये बिट होता है ना, ये एक्चुअली प्रोसेसर के नाम होते हैं कि प्रोसेसर किस पे ऑपरेट करेंगे। कोई भी विंडो आप जब इंस्टॉल करेंगे, कोई भी विंडो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो ये चीजें पूछा जाता है कि आप कौन सी बिट पे लेंगे, 32 बिट पे या 64 बिट पे। 32 बिट रहेगा तो वो 86x86 के नाम से जाना जाता है, उसमें लिखा रहता है, और एक आपका 64 के नाम से रहता। लेकिन जो विंडोज 11 है ना, विंडोज 11 ये तो हमेशा सपोर्ट करेगा 4 GB के रैम पे, हमेशा 4 GB वाले रैम पे ये सपोर्ट करेगा, ठीक है, 4 GB वाले रैम पे हमेशा ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, गलती हो जा रहा है, 4 GB वाले रैम पे हमेशा ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, किस पे, ये 11, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल आपका गेमर है, बिल्कुल आपका ग्राफिकल ये विंडोज है, जो कि 2 GB पे तो वैलिड नहीं है, ठीक है। आप 2 GB पे कहेंगे चलाएंगे तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा भी, लेकिन सबसे बेस्ट ये चलेगा आपके 4 GB वाले पे, और 8 GB रहेगा तो और बेस्ट चलेगा ये विंडोज 11, ठीक है, क्योंकि ये भी इंस्टॉलेशन के समय इसमें भी आपका 32 बिट होता है, क्या होता है, 32 बिट होता है, और 64 बिट्स होता है इसके अंतर्गत भी होता है, ठीक है, ये चीज है। यदि आपके सिस्टम में 4 GB का रैम है और आप विंडोज 11 को 32 बिट पे चला रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रोसेसर होगा ना, प्रोसेसर वो इसमें से 2 GB का रैम इस्तेमाल ही कर पाएगा, 2 GB का रैम क्या कर पाएगा, उपयोग कर पाएगा। यही हम यहां पे पीछे बता रहे थे कि यदि आपके सिस्टम में 4 GB का रैम है और आप 4 GB का रैम है और आप उसको 32 बिट पे चला रहे हैं, प्रोसेसर को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो जो प्रोसेसर होगा 4 GB कंप्लीट यूज नहीं करेगा, 2 GB तक का करता है, ठीक है। इसलिए जब भी 4 GB का रैम आपके सिस्टम में होता है तो आप उसको 64 बिट पे ऑपरेट करने के लिए, यानी कि 64 बिट पे सिस्टम को ऑपरेट कराया करिए, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, ये चीजें। तो इतनी सारी चीजें हमने दोस्तों आपको बताया, विंडोज क्या है, विंडोज के क्या नाम है कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है, विंडोज में विंडोज 10 क्या होता है और विंडोज 7 क्या होता है, ये सारी चीजें बताया, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।